गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मानसी ब्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। यहाँ पे तैयारी हो रही है लंच बनाने की, तो थोड़ा जल्दी में है। बिकॉज लंच बनाने के बाद आइनिया को ना 10 साल के जो वैक्सीनेशन बच्चों के पेंडिंग रहते हैं ना, सो वो लगवाने काफी दिनों से हमारे पेंडिंग थे, तो हम सोचे थे लेके जाएंगे हॉस्पिटल में। हमने फोन किया था तो हॉस्पिटल चालू है, तो जाके एक बार चेक करके आते हैं उसके वैक्सीनेशन का क्या है, कौन से पेंडिंग है। आई थिंक 2-3 चीजें पेंडिंग है और कुछ नई वैक्सीनेशन अगर आई होंगी तो वो भी एक बार चेक कर लेंगे। तो इसलिए फटाफट लंच बना रही हूँ ताकि लंच करके निकलें। और उसके बाद हमारा प्लान भी है कि एक बार जाके ना फर्नीचर वगैरह चेक करें, बिकॉज बेड वगैरह लेना है। तो फिनिक्स मॉल है यहाँ पे बगल में, वहाँ पे और एक दो और लोकल स्टोर है। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। तो फिलहाल तो पहले लंच बनाते हैं। यहाँ पे भी लड़ाई खत्म है, दोनों की लड़ाई लड़ रही। डॉक्टर को बोलेंगे बड़ा वाला इंजेक्शन लगाया इसको। नहीं, बड़ा वाला बिल्कुल। सो अनन्या का इंजेक्शन वैक्सीनेशन हो गया, उसको घर छोड़ा है बिकॉज पैर दुख रहा है कर रही थी। तभी हम लोग आए हैं थोड़ा सा बेड चेक करने की। यहाँ पे फिनिक्स मिलेनियम मॉल जो खुला है सो वहीं आ रहे हैं। और ये सोसाइटी हमने, आप में से किसी फ्रेंड ने बोला था कि अच्छी सोसाइटी है। ओनली रीज़न ऑफ नॉट हैविंग अ लुक एट दिस सोसाइटी इज सामने, क्योंकि जब से फिनिक्स मॉल खुला है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक हो गया है और ऑफिस आवर्स में तो इतना ट्रैफिक होता है, तो वही रीज़न है। तो चलो देखते हैं बेड का क्या सीन है। एक बार यहाँ देखेंगे, उसके बाद फिर एक बार लोकल मार्केट का देखेंगे बेड वगैरह। सो जहाँ से जैसा ठीक लगेगा देन वी विल डिसाइड। थोड़ा क्लाउडी हो रहा है लेकिन हल्की हल्की बारिश हुई है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा वेदर जो है वो ह्यूमिड सा हो गया है। मुझे एक बार ना विक्टोरिया सीक्रेट के वो परफ्यूम्स ट्राई करने हैं। बटन बाथ एंड बॉडी वर्क्स का 1000 विशेस मेरा खत्म हो गया, सबसे पहले वो लेंगे जिसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है 50%। सो वी हैव गॉन क्रेजी, सारे सब सूंघ डाले सुभाष ने आज। एक्चुअली इनके कैंडल्स बहुत अच्छे होते हैं और ये ना सारे क्रिसमस के एडिशन आए हैं एंड द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज टू गुड। मैंने अपना बेसिक जो है वो ले लिया है, सुनाओ वो अलग से। बाल अच्छे लग रहे हैं आज तुम्हारे, बाल अच्छे लग रहे हैं फॉर अ चेंज। तो झल्ले झल्ले से करते हो तो अच्छे लगते हैं। फाइनली जहाँ के लिए आए हैं वहाँ चल रहे हैं, आए यहाँ के लिए थे, सब कुछ घूम लिया। सो इस मॉल में ना, इस होम सेंटर में मैं पहली बार आई हूँ, लास्ट टाइम भी आई थी बट मैंने मतलब अंदर नहीं आई थी। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, आप आके देख सकते हो। लेकिन बेड में मतलब बहुत मज़ा नहीं आया हमने देखा, प्राइस बहुत ज़्यादा था और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं था। जो भी बेड हम देख रहे थे वो 3-4 पीसेज ही थे, बहुत ज़्यादा थे भी नहीं। फिर फाइनली हमने जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं सब देख डाली, क्या क्या लेंगे आगे चल के सब हमने सोच डाला। ये केन के बास्केट्स बहुत अच्छे थे, सही रेंज में थे, 600-700। फर्नीचर से रिलेटेड और भी शॉप्स थे वहाँ पे, वो भी सब चेक किया। तो मतलब ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया। मिलेनियम फिनिक्स मॉल आई थी लास्ट टाइम भी, आई मेट सो मेनी ऑफ यू और मैं हमेशा भूल जाती हूँ फोन निकाल के शूट करना। सो हियर आई हैव बेट हर। हेलो, आपका नाम बता दो। नमिता पवार। नमिता किंजल, किंजल बोलती है नहीं आना, प्लीज किंजल 2 मिनट। किंजल एग्जैक्टली लाइक अनन्या, वो मुंह फुलाती है अनन्या, उसको नहीं आना होता है, मम्मा जो बोलती है उसमें। सो यस, इट वाज सो नाइस मीटिंग यू। मतलब मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी मिलती है। चलो कैरी ऑन, मिलते हैं ना। श्योर श्योर श्योर, बाय बाय। थैंक यू सो मच मीटिंग। मैं आपको पहले देखे हूँ, अच्छा हुआ मैंने चश्मा डाला था। डालती नहीं, अच्छा देखो ये तो दिख रहे हैं, वो ये नाम ही नहीं आ रहा, मुझे पता ही लग रहा है। इसी को देख के जो मैं बहुत चक्की हो गई ना, बाप रे मैं देख सकती हूँ क्या ऐसे, लोग भी हमें दिख सकते क्या। चलो वापस आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लिया है इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। मतलब काफी महंगी शॉपिंग हो गई है, लेकिन बाथ एंड बॉडी वर्क्स के सामान इतने अच्छे होते हैं, चलते बहुत ज्यादा हैं, तो इसी टाइम पे डिस्काउंट्स आते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने इसी टाइम पे लिया था यहाँ से, काफी लंबा चला। तो इस बार मैं तो कैंडल्स मस्त लेके आई हूँ, ये इनका क्रिसमस एडिशन था। कैंडल इतना अमेजिंग है, ये इसका ऊपर देखो पूरा क्रिसमस थीम में, इतने अमेजिंग है ना इसके, मस्त ये है बिल्कुल सी ब्रीजी ब्रीजी सा। और मुझे ना उनका वॉर्म वनीला बहुत अच्छा लगता है, बट दो ही लेना था तो मैंने वो लिया और ये लिया। दिस इज ऑल्सो मस्त है बिल्कुल, दिस इज ऑटम वुड्स करके, ये लास्ट टाइम भी मैंने वो किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो ये इस बार आई गॉट दिस, अमेजिंग अमेजिंग। और मैं मन कर रहा है बस जलाऊं, चाय बनाऊं और फिर मैंने ये अपना वापस से स्टॉक अप किया। ये दोनों मेरे फेवरेट हैं फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स, ये 1000 विशेस एंड दिस वॉर्म वनीला शुगर, बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी का भी कैंडल ले रही थी, मेरे को थोड़ा ज़्यादा हो गया तो छोड़ा मैंने। और सुभाष ने लिया अपने लिए एक ये, ठीक है, एक परफ्यूम है ये वाला, एक हैंड क्रीम, उसके हैंड्स ना बहुत ड्राई होते हैं ड्राइविंग करते हुए क्योंकि वो एसी का पूरा वेंट आता है ना उसमें, और एक ये सुभाष ने अपने लिए लिया है। ऐसा पैकेजिंग बड़ी मस्त है सुभाष इसकी,
कितना प्यारा इसका पैकेजिंग है, इसको निकालूं कैसे, देखना जाए कितना क्यूट है इसका पैकेजिंग यार। दिस इज ऐसा। सो अच्छी खासी खासी हमारी शॉपिंग होगी, लेने गए थे बेड, मुझे लगता है इस प्राइस में बेड भी आ जाता है जितना हमने ये लिया। ये बड़ा मस्त है, इसका रब्बा बड़ा मस्त आया। चलो चाय वाय पीते हैं अभी। ये रही मेरी चाय, वैसे मैं पीने लग गई हूँ तो चाय की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है इसीलिए। और ये गया मेरा समोसा चाट के अंदर। सो बस तोड़ के डालना होता है, जैसे पूरा समोसा कौन डालता है, चम्मच दूंगा चम्मच से तो। अच्छा सो आज ये चाट खाने का मन कर रहा था। सो ये चलो समोसा चाट। चीयर्स। तुमने क्या मंगाया? छोले आईने के बुक के ऊपर सुभाष। छोले कुलचे, छोले समोसे, छोले समोसे कहाँ तेरा समोसा, समोसा इसमें एक। अच्छा और ये मैं दही पापड़ी चाट। अच्छा खुद के लिए दो दो चीज़ मंगाई है। दही पापड़ी चाट नहीं खाते बहुत दिनों बाद, आज चाट खा रहे हैं। बहुत दिनों, कब खाया था लास्ट टाइम पता नहीं यार, बहुत टाइम बाद एक्चुअली। सो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और मॉर्निंग मेरी स्टार्ट होती है एक ग्लास गर्म पानी के साथ। और मैं ये काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट एक साल हो गया है मैं सुबह उठ के ना गर्म पानी पीती ही पीती हूँ। ये आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं नींबू ये सब कुछ नहीं डालती हूँ, बिकॉज उतना करने जाओ ना तो फिर वो होता नहीं है सुबह। सो गर्म पानी बिल्कुल सिंपल वार्म वाटर आई हैव बीन हैविंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। सो नाश्ते में यहाँ पर मैंने की फरमाइश थी आज स्क्रैम्बल्ड एग वाला सैंडविच, तो साइड में चाय चढ़ाई थी मैंने। यहाँ पे दूध थोड़ा सा गर्म करने को रखा था, बिकॉज आईने ने बोला था आज उसको ना फ्रूट लूप्स आते हैं वो खाने हैं, उसको गर्म दूध में 10 मिनट के करीब ना सोक करने को रखा था, जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो आईने को वो पसंद है। तो स्क्रैम्बल्ड एग बना के साइड में रख दिया था। ब्रेड यहाँ पे इसके एजेस काटने पड़ते हैं, बिकॉज अनन्या बींग अनन्या एजेस उसको पसंद नहीं है, कहती मेरे मुँह में ऐसा अजीब सा लगता है, जस्ट इमेजिन। सो उसके एजेस सारे काट दिए मैंने। और जो स्क्रैम्बल्ड एग है गरम गरम है तो गरम डाल दो, ठंडा हो तो भी चलेगा। सो उसको सैंडविच में जैसे अपन सैंडविच बनाते हैं ना वैसे ही वो डाल दिया। इसमें अभी आप चीज़ के जो स्लाइसेस होते हैं या फिर अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है, ओरेगानो है, चिली फ्लेक्स है, मेयोनीज़ है, ये सब डाल सकते हो। बट आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल, सिर्फ चीज़ का स्लाइस डाला है। और मैं इसको टोस्टर में नहीं बना रही हूँ, बिकॉज अनन्या को तवे वाला ज़्यादा पसंद है। वो कह रही थी मम्मा उसमें मत डालना, मुझे तवे पे बना के देना, बिकॉज उसने ना अपने फ्रेंड आंटी के घर में खाया था, फ्रेंड के घर में खाया था तो उसने तवे पे ही बनाया था, तो वैसा ही चाहिए था उसको, तो वही तवे पे बना दिया ये सेका इसको। और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब लंच बॉक्स में देने के लिए बिल्कुल स्मेली नहीं होता, काफ़ी अच्छा। मैंने भी एक दो बार बनाया, उसके बाद से काफ़ी अच्छा टर्नआउट हुआ। हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड ईजी टू कुक भी है। जो हम अंडा ब्रेड बनाते हैं ना, सो उसके ऑल्टरनेटिव में दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। पानी की बोतल भर लिया है, टिफ़िन बैग इज़ रेडी। तो टिफ़िन बैग में क्या रहता है, उसका सैनिटाइज़र रहता है, वेट वाइप रहता है और एक ड्राई वाइप रहता है, और एक कपड़ा रहता है मैट जैसा जो वो बेंच पर यू नो बिछाते हैं फिर स्कूल में खाते हैं। एंड हियर इज़ माय गर्मा गर्म जिंजर। अभी अभी तक बाल ठीक हो रहे हैं अनन्या के, पूरा फुल यूज़ किया अनन्या इस लिफ्ट के शीशे का अनन्या। सो ये देखो आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से आप ऐसे प्लेस करके देख सकते हो, मेरा हाथ ना बिजी है, एक हाथ में मैंने फोन रखा हुआ है, सब प्लेस करके घर में देख सकते हो कि फर्नीचर कितना बड़ा है। नहीं तुम्हारे तुम्हारे वेस्ट तक तुम साइज देख रहे हैं। हाँ कैबिनेट्स वगैरह लेने का सोच रहे थे। हाँ इतना है, हाँ तुम्हारे हिप एरिया वहाँ तक वेस्ट तक। सो घर में रख के आप फर्नीचर देखो कि फर्नीचर कैसा लग रहा है। सच्ची क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। चलो हट जाओ वहाँ से, अभी हो गया तुम्हारा इसमें। और कलर भी है, कलर भी आप चूज कर सकते हो डिफरेंट। लेट्स सी, लेट्स चूज दिस। ये देखो अभी सुभाष आना, जरा इसको स्क्रीन को नीचे करो तो समझ में आएगा। ये स्क्रीन को नीचे कर मैं इसमें, अभी देखो ये यूनिट कैसा लगेगा मेरे घर में। और मैं इसको हिला के भी देख सकती हूँ ऐसा, कैसा कर रखूंगी तो कैसा लगेगा। शिफ्ट भी कर सकते हो बड़ा करके। सच्ची यार टेक्नोलॉजी, घर में बैठे बैठे शॉपिंग और इजी हो गई है। You were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat. Every time that our eyes would meet, didn't know back then. And even in my wildest dreams, I didn't. अभी जिम वाले लुक में सुभाष के बाल बड़े मस्त लगते हैं। सुभाष का गेटअप जिम का, ओहो पूरे बॉडी बना देगा क्या, लेग्स, ये ओवर एक्टिंग लग जाएगी गलती से, पता है तेरे को एक्टिंग करते करते।
गलती से लग जाएगी। अरे ताकि हम गलती क्या और ऐसा नीचे गिर रहे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। सुभाष अभी कैसा लग रहा है? सुबह जल्दी उठ के जिम जाना अच्छा फील हो रहा है ना? वो तो मैं हमेशा से बोल रही थी, इसलिए जाओ 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 जाओ, ये लो तुम्हारा फोन, इसलिए मैं बोलती थी जाओ जिम। एक बार जाना स्टार्ट करना, उसके बाद अपने आप सब टाइम वाइम सब सेट हो जाता है, खुद को अच्छा भी फील होता है, बिकॉज वो हैप्पी हार्मोन जिसको बोलते हैं ना वो निकलते हैं। सो यू रियली फील, आप थोड़ा वॉक करके आओगे, थोड़ा भागोगे, कुछ भी करोगे ना बॉडी के लिए, यू फील सो बेटर, सो हैप्पी, बस हैप्पी हार्मोन से करते हैं। एक्चुअली ब्राजील का प्रोजेक्ट चलता है उस टाइम पे, तो टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि लेट नाइट और 3-4 बजे आते काम करते करते, फिर सुबह उठ के कहाँ जाओ, फिर नींद भी पूरी करनी। ब्राजील का प्रोजेक्ट हुए हुए भी बहुत टाइम हो गया सुभाष। चलो चलो, इट्स नेवर टू लेट, सो ही स्टार्टेड। मैं बस यही बोल रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना? मैं भाई आपको भी बोल रही हूँ, अच्छा लगता है, सो टेक दैट स्टेप। मैं हमेशा जो लोग ये सोच रहे ना, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे देख रहे हैं कि करेंगे करेंगे, सो मैं हर बार हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ, स्टार्ट 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 करो, आज से ही स्टार्ट करो, कल ये वो होगा तो नहीं, स्टार्ट करो। First time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid of all. मैं हरी मिर्ची, आप ज्यादा भी ले सकते हो, अदरक लहसुन डालेंगे इसमें, थोड़ा सा धनिया, हल्का सा जीरा, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और हल्का सा नमक, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है पॉम्फ्रेट जो फिश है ना वो, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे, नींबू नहीं है तो अगर टैमरिंड है तो आप जो पेस्ट बनाया ना उसमें जो इमली है वो भी डाल सकते हो, उसमें जो हमने पेस्ट बनाया है उसको अच्छे से डाल देंगे पूरा फिश, इसको अच्छे से हम लोग कोट कर देंगे और थोड़ा मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। इसमें कड़ी पत्ता अगर आपके पास हो तो वो भी डालना, वो उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बट अनन्या को कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और आई थॉट कि चलो आज सिंपल रखते हैं, सो इसको बस इसी से मैरिनेट किया, कड़ी पत्ता नहीं डाला मैंने। पहले ना मैंने 4-5 तरह के दाल लिए हैं, तूर दाल है, मूंग दाल, ये है आपका उड़द, यहाँ पे है मसूर और ये छिलके वाली मूंग, सो आप अपने हिसाब से कोई सी भी दाल ले सकते हो। दाल में मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, थोड़ी हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। मैं डाल रही हूँ मैं लौकी, जिसको मैंने ना मोटा मोटा काट लिया, वरना ये गल जाते हैं, और साथ में डाल रही हूँ बीन्स। ये बहुत ही अच्छा तरीका है यू नो टू इनकॉर्पोरेट बहुत सारे वेजीज, अगर आप डालना चाहते हो ना तो दाल में डाल दो, दाल बहुत टेस्टी बनती है। बस इतना ध्यान रखना थोड़ा सा कि इसमें जब आप वो तड़का लगाते हो ना मसाले से टमाटर प्याज डालते हो तो थोड़ा ज्यादा टमाटर प्याज डाल के बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनता है एंड वेरी न्यूट्रिशियस। सो अभी दाल बन रही है तो धनिया पत्ते की चटनी हो तो सुभाष को तो मजा ही आ जाता है। जी डाल रही हूँ धनिया पत्ता लिया है, प्याज और टमाटर और थोड़ा सा नमक डाल के इसका बना लेंगे हम थोड़ा दरदरा सा पेस्ट। उसमें बहुत वेरिएशन से चटनी की, अदरक लहसुन कुछ भी जीरा डाल सकते हो, बट आज मैं सिंपल वाला बना रही हूँ। सो चटनी बन गई है, इतनी मस्त खुशबू आ रही है ना, इसे मुंह में पानी आ गया है। मैं जो दाल है ना उसको बनाने वाली हूँ डायरेक्टली घी में, तो इससे जो हम लास्ट में फाइनल एक तड़का लगाते हैं ना उसमें भी घी डलता है, स्टार्टिंग में भी तेल डलता है, सो वो बच जाता है, थोड़ा ऑयल का कंजम्पशन कम हो जाता है और फ्लेवर बिल्कुल सेम आता है। सो घी में डाल रही हूँ मैं हींग, साबुत जीरा और लाल मिर्च, और अगर आप वो डालते हो ना कड़ी पत्ते का भी तड़का लगाते हो तो वो भी आप इसी पॉइंट पे डाल दो, लहसुन और हरी मिर्ची। लहसुन को ना हमको ब्राउन करना है बिल्कुल, ताकि वो जो तड़का का फ्लेवर है वो आ जाए। तो ना धनिया पत्ता भी डाल रही हूँ तो इसका भी आओ, इसका भी अच्छा फ्लेवर आता है बहुत सारा। अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल हमारा बिल्कुल फ्लेवरफुल हो गया है, तो इसमें डाल रही हूँ प्याज, हल्का सा नमक, दाल में नमक है हमारे ऑलरेडी, इसको हम फ्राई करेंगे और ना इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा मतलब कुक करेंगे बट थोड़ा सा कच्चा सा ही रहने देंगे इस प्याज को, बट इसको ब्राउन ब्राउन नहीं करना है। सो यहाँ पे हमारा दाल भी देखो अच्छे से पक गया है पूरा। ये डाल रही हूँ मैं टमाटर और ना ये जो हम पूरी फ्राइंग कर रहे हैं ना इस वाले तड़के वाले की, इसको मीडियम टू हाई रखना फ्लेम, लो पे मत रखना। टमाटर को भी मैंने हाई फ्लेम पे ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ बस, और हिलाते रहना ताकि जल ना जाए।
हमको ना टमाटर को मछी मछी नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसा साबुत साबुत आता है ना वैसा रखना है। धनिया पत्ता और डाल रही हूँ, यू नो अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो कि मैं खाने के अलग अलग स्टेजेस पे धनिया पत्ता डालना बहुत पसंद करती हूँ, बिकॉज उससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अलग अलग स्टेजेस पे धनिया पत्ते का। तो सारे मसाले हमने ऑलरेडी दाल में डाले हुए हैं, तो थोड़ा सा बस गर्म मसाला मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, और अभी और कुछ इसको ज़्यादा नहीं करूँगी। देखो टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन ऐसे गले नहीं हैं, तो यही मुझे चाहिए। बस अब इसको बॉईल होने देना जैसे नॉर्मल दाल बनाते हैं वैसे ही, बस एंड में मैं तड़का नहीं लगाऊंगी बिकॉज माय दाल इज ऑलरेडी तड़के वाली। थोड़ा सा डालूंगी मैं, थोड़ा सा तो नहीं, थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा चाट मसाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है चाट मसाला, इसका फ्लेवर। सो मेरी दाल अच्छे से बन गई है इस हिसाब से आप देखो, तो फाइनली इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ता और बंद कर दूंगी। सो थोड़ा सा तेल गर्म कर लेंगे। सो अभी जो फिश है यहाँ पर मैंने रवा लिया है, तो रवे में उसको अच्छे से कोट कर देंगे हम सारे जो हमारे स्टिक्स हैं। अभी सबको मैंने ना प्लेस कर दिया, ऑयल बिल्कुल कम रखा है, मेरे को लगेगा तो बीच में ऊपर से थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर दूंगी। अब बस इसको उलट पलट करके फ्राई करना है, तो थोड़ा सा ना ऑयल ड्रिजल कर ही देती हूँ मैं। तो ये ऑलमोस्ट फ्राई होने वाला है और रवा पता नहीं क्यों पूरा अब देखो निकल गया, जस्ट लेट मी नो मैंने क्या गलत किया, इनके अपने से कोई यू नो ये डिश बनाता है तो ये हल्का 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 ना पूरा निकल गया है। I was wandering round town in a city of gold when I was struck by luck as I found you sitting all alone looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair left your scent in the air and the sun was almost acting as a spotlight just for you.